हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। एक्सरसाइज 11.2 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग। ये हमें पार्ट्स दे रखे हैं ए से लेके एफ तक के, और हमें इनके एक्सप्रेशन लिखने हैं। ठीक है, ये लैंग्वेज में दे रखे हैं, इसके लिए एक्सप्रेशन राइट करना है। पार्ट ए में 5 मल्टीप्लाइड बाय एक्स। देखो, जब हम कभी भी, पीछे भी मैंने बताया, अगर मैं x इंटू 5 करते हैं तो क्या आता है, यानी कि x की मल्टीप्लाई की गई है 5 के साथ, तो हम क्या लिखेंगे, 5x। तो ये भी ऐसे ही है, 5 मल्टीप्लाइड बाय x, यानी कि क्या हो जाएगा, 5x। ये हो गया इसका एक्सप्रेशन। अब है पार्ट बी। बी में है 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p। फॉर एग्जाम्पल, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम माइनस p। माइनस पी की जगह अगर कोई भी नंबर हो, मान लो यहाँ हो -20, तो हम क्या लिखते हैं, जब फ्रॉम आ जाता है, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -20 हो, फ्रॉम मतलब सब्ट्रैक्ट किया जा रहा इसमें से इसको 2 को, तो हम क्या लिखेंगे, तो हम ऐसे ही तो लिखे -20 और हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फिर क्या लिखेंगे, -2। ठीक है, सब्ट्रैक्ट के लिए ये निशान लगाएंगे, यहाँ पे p है तो हम क्या लिखेंगे, -p सब्ट्रैक्ट 2। ठीक है, ऐसे इसका लिखेंगे -p सब्ट्रैक्ट 2। -p में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। ठीक है, c लिखेंगे q मल्टीप्लाइड विद -6, यानी कि फिर से ऐसा ही है जैसे ये था, इसमें खाली साइन माइनस का है, तो क्या हो जाएगा, -6 q। ठीक है, यानी कि 6 की मल्टीप्लाई, -6 की मल्टीप्लाई हो रही है q के साथ। डी पार्ट करेंगे, p डिवाइड बाय 4। ठीक है, p को डिवाइड किया जा रहा है 4 से। ई पार्ट करेंगे, 56 एडिड टू डबल ऑफ x। डबल ऑफ x मतलब x का टू टाइम्स, जैसे दो बार अगर x को प्लस करेंगे तो 2x हो गया, या फिर x इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x। तो डबल का मतलब ट्वाइस, यानी कि उसको क्या कराया जा रहा है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो क्या लिखेंगे, 2x, 2x क्या था आगे, 56 एडेड टू डबल ऑफ 2x, तो x का तो हो गया ये 2x डबल, फिर उसमें ऐड किया जा रहा है तो +56। ठीक है, f पार्ट करेंगे, f पार्ट में है -3 मल्टीप्लाइड बाय y एंड द रिजल्ट एडिड टू 18। -3 मल्टीप्लाई किया गया y के साथ, और फिर उसमें जो रिजल्ट आ जाएगा, उसमें जो रिजल्ट आएगा इसका हमें लिखना नहीं है, हमें खाली इतना लिखना, -3 मल्टीप्लाइड बाय वाई एंड द रिजल्ट एडेड टू 18। जो इसका अगर मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट आएगा तो उसको फिर 18 उसमें ऐड किया गया, तो ऐसे इसका ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब करेंगे जी पार्ट, 8 मल्टीप्लाइड बाय एक्स एंड 16 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रिजल्ट। 8 मल्टीप्लाइड बाय एक्स यानी 8 इंटू एक्स, तो कितना हो जाएगा, 8x, तो क्या लिखेंगे, 8x, या फिर x इंटू 8 तो भी 8x ही होता है, और फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट किया गया है 16 को इसके रिजल्ट में से। ठीक है, तो ये हो गया इसका एक्सप्रेशन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इन 3 टाइम्स द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। If the breadth of the plot is b, form an equation for its length and the form an equation for its length and the perimeter. तो हमें इसकी लेंथ के लिए और इसके पेरीमीटर के लिए एक इक्वेशन भी बनानी है। देखो, इसको कैसे समझोगे, क्वेश्चन में दे रखा कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो ब्रेड्थ है 3 times है, वो किसकी 3 times है, किसका 3 times है, उसकी ब्रेड्थ का, और ब्रेड्थ दे रखी है बी। तो देखो, ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, समझो क्वेश्चन को, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, क्वेश्चन में बोला है उसकी ब्रेड्थ दे रखी है बी,
बी अगर ब्रेड है तो उसकी लेंथ है उसका 3 टाइम्स, यानी 3 टाइम्स, यानी अगर 3 को मैं बी से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, 3 बी हो जाएगा, तो 3 टाइम्स यानी उसका 3 गुना 3 बी हो गया। अगर ये वाली साइड 3 बी है तो ये भी 3 बी होगी, और ये बी इसकी ब्रेड्थ बी दे रखी है तो ये भी बी होगी। अब इसके इसकी लेंथ तो कितनी हो जाएगी, LENGTH, लेंथ तो हो गई 3 बी। अब हमें इसका पेरीमीटर बनाना है, बताना है पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है। सम ऑफ ऑल साइड अगर करेंगे हम, या फिर सम ऑफ ऑल साइड, या फिर टू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 3 बी, और ब्रेड्थ कितनी है बी, 3 बी, और एक ये कितना हो जाएगा 4 बी। 4 में अगर 2 से हम करेंगे मल्टीप्लाई तो 4 2 8, 8 बी आंसर आ जाएगा। या फिर सम ऑफ ऑल साइड करेंगे तब भी वही आ जाएगा, 3 और 3, देखो 3 बी, 3 बी प्लस 3 बी प्लस बी प्लस बी, ठीक है। 3 और 3 6, 6 बी, और एक ये 7, और ये 1 8, 8 बी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो या तो सम ऑफ ऑल साइड करो, या फिर उसके लिए एक फॉर्मूला बना दिया है कि 2L में से 1L और 2B में से 1B ये बाहर ले लिया जाता है, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 8B, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।